एयरकॉन इंटरनेशनल से एयरकॉन एयरकॉन सचित जी जरा इसका चार्ट देखें, रेलवे से कुछ खास नंबर्स नहीं आ रहे हैं। कल हमने आरबीएनएल में भी अच्छे नंबर्स नहीं देखे थे, एयरकॉन के भी नंबर्स खराब ही हैं सर। 17% रेवेन्यू गिरा है, एबिटा आपका 1.5% गिर कर आया है, मार्जिन ऑफ कोर्स एक्सपैंड हुए ये एक अच्छी बात है, मुनाफा थोड़ा ऊपर गया है बट कुछ ज्यादा खास नहीं है, और अदर इनकम की वजह से थोड़े मुनाफे में उछाले, अदरवाइज वहां पर भी परेशानी बनती। क्या राय है सर एयरकॉन के चार्ट पर? दीपांशु, यहाँ पर क्लियरली पिछले कुछ हफ्तों से प्रॉफिट बुकिंग की ही ट्रेंड है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक वापस 245-250 के जोन में ट्रेंड होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी। इनफैक्ट एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस जो है मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड ही रहेगा। ऑन द हायर साइड काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस बन चुके हैं यहाँ पर 300 से लेके 320 तक के, जहाँ पर एक काफी बड़ा सप्लाई प्रेशर स्टॉक ने झेला था। तो लगातार मुझे लग रहा है यहाँ पर जो सीक्वेंस चल रही है वो बरकरार ही रहनी चाहिए। अगर थोड़ा सा उछाल मिल जाता है तो वहाँ पर मुझे लग रहा है वापस रेजिस्टेंस फेस होगा काउंटर में, एंड नीचे मुझे लग रहा है एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है अराउंड 240-250 के आसपास, जहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी कंसिडर की जा सकती है। ऑलराइट, ये है आपके लिए एयरकॉन। नंबर तो कुछ ज्यादा खास आए नहीं है, देखते हैं आज कैसा रिएक्शन होगा।